कटनी में युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है, उससे बीजेपी घबरा रही है। कटनी में युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अंशु मिश्रा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बयान पर निशाना साधा है। मिश्रा ने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है। देश विरोधी नारे लगने की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस ने की है, जिसमें पाया गया है कि पूरा वीडियो एडिट किया हुआ है। इस मुद्दे पर बीजेपी ने लोकेंद्र पराशर पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज भी किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने कटनी आकर एक बयान दिया है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा को पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी अपार समर्थन मिल रहा है। सुबह 5:30-6 बजे से लाखों की संख्या में लोग घर से निकल कर आ रहे हैं राहुल जी का स्वागत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। लाखों लोगों से राहुल जी अब तक प्रत्यक्ष रूप से खुद मिल चुके हैं। विष्णुदत्त शर्मा जी का ये बयान मानसिक दिवालियापन उनका दिखाता है। देखिए, हार पचाने की क्षमता हर किसी में होती नहीं है। जब से वह नगर निगम का चुनाव कटनी का हारे हैं और उन्हीं के साथ उनको खड़े होना पड़ रहा है, जो लोग उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया था, तब से इस प्रकार की उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति में समझ सकता हूं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।